ये अमीर आदमी के बच्चे गरीब क्यों हो जाते हैं? ये बंदों ने जो बच्चे हैं हमारे, ये कंफर्ट जोन में पैदा हुए, और कंफर्ट जोन में पैदा होने की वजह से इन्होंने कोई सख्त टाइम नहीं देखा। जिस आदमी ने टफ टाइम नहीं देखा होता वो हमेशा गरीब या हमेशा मतलब वो कमजोर पैदा हो जाता है। और जो आदमी फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसका फिजिक्स मतलब फिजिकली बंदा फिट नहीं होता, उसका दिमाग भी कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है। ये भी बात में फैक्ट है। प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है, वीडियो में अंत तक बने रहना। ये अमीर आदमी के बच्चे गरीब क्यों हो जाते हैं, इसका कारण ये है। ये वीडियो क्यों ला रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते एक शेख की किसी की इंटरव्यू के बारे में को बंदा बात कर रहा था कि शेख को किसी बंदे ने सवाल किया कि आपके वालिद थे जो आपके बाप दादे थे वो ऊंट पे घूमते थे और आप फरारी में घूम रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हो, आपके बच्चों का क्या भविष्य? तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मेरे बच्चे के बच्चे वो फिर दोबारा ऊंट पे जाए, ऊंट पे ही घूमेंगे। वो कहते हैं यार ऐसी क्या बात, आप इतने अमीर आदमी हो, आपके जो बच्चों के बच्चे हैं वो ऊंट पे क्यों जाएंगे? वो कहते हैं ये बंदों ने जो बच्चे हैं हमारे, ये कंफर्ट जोन में पैदा हुए, और कंफर्ट जोन में पैदा होने की वजह से इन्होंने कोई सख्त टाइम नहीं देखा, और बिना सख्त टाइम देखे बंदा सख्त नहीं हो सकता। जो आदमी ने टफ टाइम देखा होता है वो आदमी ही टफ पर्सनैलिटी देके पैदा होता है। जिस आदमी ने टफ टाइम नहीं देखा होता वो हमेशा गरीब या हमेशा मतलब वो कमजोर पैदा हो जाता है, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। जहां भी आप, यदि आप मरुस्थल में पैदा होंगे तो डेफिनेटली वहां पर पानी के लिए संघर्ष करोगे और वहां पर आप ज्यादा सख्त रहोगे। यदि आप शिमला में या पहाड़ियों में पैदा होंगे तो आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। यदि आप चंडीगढ़ जैसे शहर में पैदा हो जाते हो और अमीर घर में पैदा हो जाते हो तो आपके पाँव पे मिट्टी भी नहीं लगने देते। तो जब आपके पाँव पे मिट्टी भी नहीं लगेगी तो डेफिनेटली आप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, फिजिकली तो बिल्कुल नहीं होगे। और जो आदमी फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसका फिजिक्स मतलब फिजिकली बंदा फिट नहीं होता, उसका दिमाग भी कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है। ये भी बात में फैक्ट है। लेकिन इस बात में तो सिंपल यही कहना चाहते हैं कि जो आदमी अमीर है, अमीर आदमियों में के बच्चों में यही प्रॉब्लम होती है कि जितने मेहनत गरीब बंदे ने की होती है, मतलब उसने हालातों के साथ लड़के वहां तक आया होता है, उसमें निम्रता होती है, उसमें जज्बा होता है कुछ करने का, गरीबी को गले से उतारने का जज्बा होता है, वो अमीर बाप के बच्चों में नहीं होता, क्योंकि उनको तो सब कुछ बना बनाया, वो कंफर्ट जोन में है। सो दोस्तों, यदि आप भी अमीर हो तो अपने बच्चों को कंफर्ट जोन से जरूर निकालें। कंफर्ट जोन से निकालोगे तभी आपके बच्चे बाहर लोगों के साथ भिड़ने के काबिल होंगे, उनके साथ मतलब जज्बे के साथ लड़ सकेंगे। यदि शेर का बच्चा पिंजरे में डाल दिया जाए तो पिंजरे से निकालने के बाद वो शेर है जो अपना शिकार खुद नहीं कर सकता। ये बात भी पक्की है, क्योंकि जब उसको आदत ही पड़ गई कि पिंजरे में सब कुछ मीट मिल जाना है तो वो भाग दौड़ नहीं करता। पहले काफी साल पहले तजर्बा किया गया था, जो पिंजरे के शेर थे जब उनको जंगल में छोड़ा गया तो हिरन के पीछे भाग के वो शिकार ही नहीं कर पाए, और शिकार नहीं कर पाए क्योंकि हिरन तो रोज भागता था। हिरन का तो दौड़ देने प्रैक्टिस में एक से परफेक्ट, उनका तो बॉडी ठीक थी उनकी, लेकिन जो शेर थे वो बैठे बैठे उनकी हेल्थ जो थी बिल्कुल बेकार होगी। तो वो मेरे को पता लगा, मैंने मतलब कोई बंदा उसको काली सुना था तो वो जो शेर था उनको कुत्ता भी शिकार कर लिया। सो इसलिए मैं ये इस वीडियो के मैसेज आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास खूब पैसा है, बहुत अच्छी बात है, भगवान की आपके ऊपर बहुत कृपा है, लेकिन यदि आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में ना रहने दें। गुजरात के बहुत बड़े मल्टी मिलियनर ढोलकिया साहब के एक इंटरव्यू में देखा था कि अपने बेटे को उन्होंने 5,000 रुपया दिया था कि एक महीने के लिए तुमने 5,000 में गुजारा करना है, किसी से पैसा मांगा ना भी नहीं, ताकि तेरे को पता लग सके कि पैसे की क्या। तो दोस्तों आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।
सीखेंगे हम, पढ़ेंगे हम, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। सीखेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।